दोस्तों रेस 3 का ट्रेलर अब बस आने ही वाला है। इससे पहले रेस की पहले दो फ्रेंचाइजी में हीरो रह सके सैफ अली खान का रिएक्शन रेस 3 पर आ गया है। सैफ अली खान ने कहा कि रेस 3 की तीसरे इंस्टॉलमेंट पर भी रोल मुझे ऑफर हुआ था। प्रोड्यूसर रमेश तोरानी ने कहा था इस बार स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंस होगी, यानी कि बिल्कुल अलग, और ये कहानी पहले रेस से काफ़ी अलग होने वाली है, इसलिए ये फिल्म सलमान खान को ऑफर हुई है। सैफ ने आगे कहा कि इस फिल्म के लिए मुझे पूछा तो था, लेकिन मैंने जब देखा कि कहानी बिल्कुल अलग है और मैं इस कहानी से खुद का कनेक्शन नहीं कर पाया तो मुझे लगा कि मुझे ये रोल नहीं करना चाहिए। सैफ ने कहा कि खैर सही हुआ कि मैंने ये फिल्म नहीं करी, क्योंकि सलमान खान इस वक्त बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं और रेस 3 उनके लिए परफेक्ट है। सैफ अली खान ने आगे कहा कि फिलहाल मैं मेरे आने वाली फिल्मों पर ध्यान दे रहा हूं। हालांकि उन्होंने किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ये नहीं बताया। आपको बता दें उनकी पिछली फिल्म कलाकंदी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। सैफ अली खान ने सलमान को रेस 3 के लिए गुड विशेस भी दी, साथ ही रैमो और रमेश तौरानी को भी फिल्म की सफलता के लिए काफ़ी ज़्यादा बधाइयां दी। अब देखना होगा रेस 1 और रेस 2 की तरह क्या रेस 3 भी सुपर फिल्म हो पाती है। सैफ अली का ये रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। सब्सक्राइब कीजिए देखो देखो।